चौंकाते हुए मुख्यमंत्री के पद के लिए भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया। विधायक दल की बैठक में सहमति के साथ उनके नाम पर मुहर लगाई गई, जिसकी इनसाइड स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में लकीर खींचने वाली ये वो तस्वीर जिसे शायद ही कोई भुला पाए। जी हाँ, राजनीति की ये वो तस्वीर है जिसमें पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीदों का आसमान सपनों का जहान है। एक एक फ्रेम देखिए और बीजेपी की रणनीति को समझिए। शाम 4 बजे पार्टी दफ्तर में विधायक दल की बैठक शुरू हुई। सभी विधायक और दिल्ली से आए तीनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे वहां पहुंच चुके थे। इससे पहले जयपुर के ललित होटल में वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह के बीच लंबी मुलाकात हो चुकी थी। जिसके बाद आया वो क्षण जिसका अरसे से इंतजार था। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा से पहले वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह की दाईं ओर बगल में बैठी। दोनों के बीच संक्षिप्त सी बातचीत हुई, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने उन्हें एक पर्ची थमाई और पर्ची खोलने के लिए वसुंधरा को थोड़ा रुकने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह की नजरें सामने की तरफ हुई, वसुंधरा राजे ने मौका देखकर पर्ची देख ली। इसके बाद की कहानी तस्वीरें ज्यादा उम्दा तरीके से बयां कर रही हैं। वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची आते ही पुख्ता हो गया था कि वे तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही हैं। साफ हो गया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी बीजेपी चौंकाने जा रही है। बहरहाल पर्ची देखकर सियासी सस्पेंस चरम पर पहुंच गया। लोग दम साधकर सीएम के ऐलान का इंतजार करने लगे, स्क्रीन पर घटने वाले एक एक पल को पढ़ने की कोशिश करने लगे। बीजेपी के 115 विधायकों की उम्मीद जग गई थी कि बंद लिफाफे में उनका नाम भी हो सकता है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। सारे के सारे कयास धरे के धरे रह गए और एक ऐसे शख्स को प्रदेश की कमान सौंप दी गई जिसे खुद भी अपने सीएम होने का शायद ही कभी अंदाजा रहा हो। भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जयपुर ही रहे, वे दिल्ली भी नहीं गए थे। हाईकमान से जुड़े किसी बड़े नेता से नहीं मिले थे। विधायक दल की बैठक से पहले खुद उन्हें भी नहीं पता था कि वे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे ने भजनलाल के नाम का प्रस्ताव रखा तो कुछ समय के लिए बैठक में सन्नाटा छा गया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा, अगर कोई और भी नाम हो तो विधायक बता सकते हैं। एक भी विधायक एक शब्द नहीं बोला और इस तरह 15 मिनट में विधायकों ने सीएम चुन लिया। प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया, लेकिन आलाकमान के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। बड़े नेताओं की फौज के बीच पहली बार के विधायक को सीएम बनाना आसान हो भी कैसे सकता था। विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा की घोषणा के बाद तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। इसी बीच राजनाथ सिंह ने भजनलाल को गुलदस्ता भेंट किया। राजस्थान में सामान्य वर्ग से एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाकर मोदी शाह बड़ा सियासी मैसेज देना चाहते थे, जिसमें वे पूरी तरह सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। भजनलाल शर्मा को बीजेपी ने प्रदेश की बागडोर सौंप दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद बीजेपी आलाकमान का यह फैसला चौंकाने वाला था, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान ने करीब 1 बजे ही भजनलाल शर्मा के रेस में होने की खबर ब्रेक की थी। नौ दिन बाद खत्म हुआ इंतजार। राजस्थान में अब भजनलाल सरकार। करीब 9 दिन बाद राजस्थान को भजनलाल शर्मा के तौर पर नया सीएम मिल गया है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने
भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने किया और आखिर में भजनलाल के नाम का ऐलान कर दिया गया। न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। तो अब जो रेस में जो आगे नाम चल रहे हैं, भजनलाल शर्मा का भी एक नाम अभी थोड़ी देर पहले में चर्चा में आया था। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। राजस्थान के सीएम की जिम्मेदारी मिलने के बाद भजनलाल शर्मा ने पार्टी आलाकमान समेत तमाम समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। भजनलाल शर्मा के परिवार के लिए ये पल ड्रीम कम ट्रू। जिस वक्त बीजेपी कार्यालय में सीएम के नाम पर मंथन हो रहा था, उस दौरान उनका परिवार भगवान से अपने बेटे के लिए मंगल कामना कर रहा था। सीएम के तौर पर जैसे ही भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ, न्यूज 18 राजस्थान उनके घर पहुंचा। बेटे की सफलता पर माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। धन्यवाद भगवान, भगवान की मर्जी भैया। आपके त्याग, तपस्या, धर्म, संस्कार सब लेंगे, मतलब मुख्यमंत्री बिहारी जी का आशीर्वाद है। जनता को बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्नी है मुख्यमंत्री की अब? क्या तैयारी करके भेजा था और किस तरह से आपने शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी मंदिर जाके आ रही हैं आप? जी। तो धन्यवाद देकर के आ गए हैं। क्या जाप चल रहा था खास? ऐसा कोई खास जाप नहीं था? परिवार को बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित थे, कुछ समय दे पाए थे? वो नहीं दे पाए, पार्टी को ही दिया पूरा समय शुरू से ही। पार्टी को दिया पूरा समय। पापा को जो दायित्व दिया है बीजेपी ने, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे पापा जी। इसके पहले भी बीजेपी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जैन मंदिर जा रहे भजनलाल शर्मा, जैन मंदिर में दर्शन कर रहे भजनलाल शर्मा, सांगा बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं भजनलाल शर्मा। हमारे संवाददाता रोशन हमारे साथ बने हुए हैं। रोशन, क्या जानकारी है आपके पास? ममता, देखिए अभी जो भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो सांगानेर स्थित जो ये जैन मंदिर आप देख सकते हैं उसके अंदर यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर भजनलाल शर्मा यहाँ पर करने पहुंचे हैं। आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले वो यहाँ पर जैसे ही आज उनकी दिन की उन्होंने शुरुआत करी, वो अपने निवास से सीधे पहुंचे हैं सांगानेर स्थित जो जैन मंदिर है वहां पर पहुंचे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर यहाँ पर जैन मंदिर के अंदर जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जैन समाज के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी चाक चौबंद यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ पर भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद में यहाँ पर जो जैन समाज है उसमें भी जो उत्साह है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। काफी यहाँ पर जो जैन समाज के जो लोग हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भजनलाल शर्मा यहाँ पर जैसे यहाँ पर आए और जो लोगों में यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। अब पूजा अर्चना की भजनलाल शर्मा जी ने क्या कुछ कहेंगे? आरती वगैरह करी, पूजा करी, अर्घ चढ़ाया, हमारे जैन सिद्धांत के हिसाब से सब अच्छा। जैन समाज में खुशी की लहर है, बहुत तगड़ी लहर है और हम तो बहुत खुश हैं। देखिए जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आप मंदिर से बाहर आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर जो मौजूद हैं, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं जो बीजेपी के जो नेता सुरेश मिश्रा उनके साथ यहाँ पर जो अंदर नजर आए डिप्टी मेयर जो पुनीत कर्णावट है वो तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उनके बीच में से एक जो कार्यकर्ता था वो मुख्यमंत्री बना। पुनीत जी क्या कुछ कहेंगे? कर्णावट जी क्या कुछ कहेंगे? आज राजस्थान बहुत उत्साहित है, प्रफुल्लित है।
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मिली है वो निश्चित रूप से राजस्थान में सुशासन लेकर आएगी। और भजनलाल जी एक सामान्य कार्यकर्ता से पहुंचे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को पूरे राजस्थान की कमान दी गई है। और मैं भजनलाल जी को पिछले 35 साल से जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि वो एक बहुत श्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में, आम जनता के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। सुरेश मिश्रा जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी सांगानेर का गौरव है, राजधानी का गौरव है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सांगानेर विधानसभा से निकला है। और ये सबके लिए गौरव की बात है कि कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने अवसर दिया है काम करने का, राजस्थान के विकास करने का। एक नया अध्याय लिखा गया है, राजधानी में कभी भी किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, ये दुर्भाग्य था राजधानी का। सांगानेर से आप जुड़े रहे हैं, क्या आपने उम्मीद करी? पूरी उम्मीद थी कि सांगानेर का नाम रोशन करेंगे भजनलाल जी, और इस रूप में करेंगे को सोचा नहीं था, लेकिन मोदी जी हैं तो सब संभव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुख्यमंत्री यहाँ पर जो भजनलाल शर्मा है वो बाहर यहाँ पर आ चुके हैं, आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, उनसे जो मिलने वालों को जो सिलसिला यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो देख सकते हैं यहाँ पर। भजनलाल जी बहुत बहुत बधाई हो। बड़े लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनके बीच में से एक जो व्यक्ति निकला है वो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर, क्या कुछ कहेंगे अपने लोग बड़े उत्साहित नजर आ रहे तो आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा यहाँ पर जैन मंदिर के अंदर जो जैन मुनि है उनसे मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल रोशन हम देख रहे हैं, और काफी लोगों की संख्या भी यहाँ पर नजर आ रही है, भीड़ काफी ज्यादा है, और आप लगातार बातचीत करने की भी उनसे कोशिश कर रहे थे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।